हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बड़े दिनों के बाद एक व्लॉग बना रही हूँ। तो आज के व्लॉग में कोई भी चीज़ हमने अपने फेस पे अप्लाई करनी है, उससे पहले हमारा फेस अच्छे से साफ़ होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये रॉ मिल्क से अपना फेस क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं कुछ मिक्स करके एक पैक बनाऊँगी। चलो देखते चलो, आप आगे बढ़ते रहो मेरे व्लॉग में। फेस मैंने अपना क्लीन कर लिया है, अब मैं उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध, उसके बाद ये मुल्तानी पाउडर डालूंगी और ग्लिसरीन। कच्चा दूध मैंने डाल दिया है, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा ही सी मुल्तानी मिर्च डालनी है और ये ग्लिसरीन, मैं ये वाली यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी ग्लिसरीन भी डालनी है। गाइस, फेस एक हमारा एक ऐसी चीज़ है जिसकी अगर हम केयर नहीं करेंगे ये बड़ी जल्दी बिगड़ जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिन बीमार रही, मैं हॉस्पिटल में भी थी, तो मैं अपने फेस की केयर नहीं, मैंने ग्लिसरीन डाली इसके अंदर गाइस थोड़ी सी, तो मैं बीमार रही तो मैं अपने फेस की केयर नहीं कर पाई और मेरे फेस पे इस टाइम काफ़ी पिंपल्स हो चुके हैं। बट अभी ठीक भी हो गया है, दो तीन दिन से मैं केयर कर रही थी तो थोड़ा फ़र्क पड़ा है, बट अभी भी मेरे फेस पे पिंपल्स हैं। तो इस मेरा इन शॉर्ट यही मतलब है कहने का कि फेस केयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम अपनी फेस की केयर नहीं करेंगे, बालों की केयर नहीं करें, किसी भी चीज़ की अगर हम केयर नहीं करते हैं वो हमारे साथ ज़्यादा देर तक अच्छे तरीके से नहीं रहेगी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो फेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको मैं अच्छे से अपनी फिंगर के साथ ही मिक्स कर रही हूँ। मैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम जब फेस पैक की बनाती हूँ मैं अपने हाथों से ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि हाथ मेरे साफ़, ब्रशेस भी मैं साफ़ करती हूँ बट मुझे उस लेवल का भरोसा नहीं होता है ब्रशेस पे कि मैं इसको बार बार यूज़ करूँ ना, तो इसलिए मैं हाथों पे ही विश्वास रखती हूँ अपने। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया गाइस, अब मैं इसको अपने फेस पे लगाऊँगी। फेस वॉश करने के बाद मैं फिर से कच्चा दूध कॉटन में डाल के अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अच्छे से, क्योंकि जब हम फेस पैक यूज़ करते हैं हमारी स्किन थोड़ी रफ़ हो जाती है, तो हमें स्किन रफ़ नहीं करनी है, तो इसको हम कच्चे दूध से, कच्चा दूध अपने फेस पे लगाएंगे कॉटन के साथ। कच्चा दूध आपके फेस पे जो निशान रह जाते हैं दानों के, जैसे दाने चले जाते हैं उसके निशान रह जाते हैं, अगर वो आप निशान को, निशानों को भी बाय बाय करना है तो आप डेली, मतलब डेली कोई भी दिन स्किप मत करो, डेली अपने फेस पे कच्चा दूध लगाओ, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके बाद जब मैंने कच्चा दूध लगा दिया उसके बाद मैंने लोशन लेना है, तो अब मैंने इसकी क्लिनजिंग करनी है फिर से एक बार अपने फेस पर। तो गाइज देखो, और ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग भी होता है। तो बीच बीच पे मैं कच्चा दूध की मदद भी ले रही हूँ, जब मैं लोशन लगाया उसके बाद कच्चे दूध की मदद से ही मैं क्लिनजिंग कर रही हूँ फेस पे। बिलीव में इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा, मुझे इससे ज़्यादा बेस्ट कोई चीज़ लगती ही नहीं है फेस पे। तो मतलब कच्चा दूध अगर आपने फेस पर लगा दिया और आप साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ, मैं मान ही नहीं सकती कि हो, मतलब 100 में से 2 बंदे हो सकते हैं जिनको साइड इफ़ेक्ट अगर होना होगा तो होगा,
98 बंदा खुश होके ही जाएगा अगर कच्चा दूध लगाएगा। और इसको रात को ही लगाना ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि रात को हमने लगाने के बाद सो जाना होता है, कुछ भी हमारे फेस पे डस्ट नहीं पड़ती है। अब क्लींसिंग करके जो भी डस्ट मेरे फेस पे आ चुकी है, मैं इस कॉटन से सब कुछ रिमूव कर दूंगी और मेरा फेस एकदम क्लीन हो जाएगा, नेचुरली क्लीन हो जाएगा, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहती हूँ। तो देखो, वो लास्ट प्रोसेस हमारा, आपको दूध दिख रहा होगा, इससे ज़्यादा हमने यूज़ करना भी नहीं है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी ग्लिसरीन डालूँगी, मैंने इसमें 1-2 ड्रॉप ग्लिसरीन के डाल दिए, मदद से मैं सारा इस कॉटन में डालूँगी जितना भी है, मिक्स करके अच्छे से एक ही कॉटन में मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे ज़्यादा हमारे फेस पर यूज़ भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो बस उसको हमने अब अपने फेस पे अप्लाई कर देना है, जो ग्लिसरीन और कच्चा दूध मैंने मिक्स करके कॉटन में डाला है। इसको बस ये लास्ट स्टेप हमारा है, इसको मैंने फेस पे लगा के छोड़ देना है और मैंने सो जाना है। और सुबह जब मैं उठूँगी, मेरा फेस एकदम, मतलब कुछ निशान मेरे फेस पे ऐसे होते हैं जो सच में गायब हो चुके होते हैं, कुछ छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं जो सच में अंदर हो चुके होते हैं, और रंग भी थोड़ा गोरा होता है, पहले से एक लेवल बढ़ता है। जो हमने ऐसे केमिकल्स यूज़ करने, मतलब फालतू के, उससे अच्छा हमें ये सब यूज़ करना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। तो चलो, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।